कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून की मांग को जन्म दिया है। हालांकि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था, लेकिन उसे कभी लागू नहीं किया गया। सवाल यह है कि क्या केंद्रीय कानून स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है? कोलकाता के आर जीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर ने जिस क्रूरतम हिंसा का सामना किया, वह जाहिर तौर पर डॉक्टरों के साथ होने वाली हिंसा से बहुत अलग है। हालांकि पिछले 2-3 दशकों में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति हिंसा का प्रचलन बढ़ा है, जिससे 25 राज्यों ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं, जो अभी तक अपने आप में कारगर साबित नहीं हुए हैं। दरअसल ज्यादातर हिंसा मरीजों की अपेक्षाओं, ज्यादा खर्च एवं डॉक्टरों और मरीजों के बीच उचित संवाद की कमी के कारण होती है। तो आखिर कैसे केंद्रीय कानून स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है? दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग की है कि विशेष रूप से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक केंद्रीय संरक्षण कानून की आवश्यकता है, जो अन्य देशों के उपायों के समान है, जो चिकित्सा कर्मचारियों पर हमलों को गंभीर अपराध के रूप में वर्गीकृत करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की गहन जांच का अनुरोध किया है, जिसमें मामलों को समय पर और पेशेवर तरीके से निपटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपराधियों को कठोर सजा मिले। जबकि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, तो इस पर केंद्रीय कानून बनाना थोड़ा जटिल हो सकता है। हालांकि विरोध प्रदर्शनों के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किसी भी हिंसा की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए तथा घटना के 6 घंटे के भीतर संस्थागत FIR दर्ज की जानी चाहिए। इसके अलावा क्या अस्पतालों में बेहतर बुनियादी ढांचे और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय मददगार हो सकते हैं? WHO का कहना है कि हर देश को स्वास्थ्य पर GDP का कम से कम 6% खर्च करना चाहिए, लेकिन भारत 2% से भी कम खर्च करता है। लोग अक्सर अस्पताल पहुंचने पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के प्रति गुस्सा जाहिर करते हैं, खास तौर पर उन डॉक्टरों के प्रति जो मरीजों का इलाज करते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक मुद्दा है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्वास्थ्य पर GDP खर्च बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है, जिससे उचित उपचार सुनिश्चित हो और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोका जा सके। आज का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, WHO के अनुसार प्रत्येक देश को स्वास्थ्य के लिए GDP का कम से कम 6% खर्च करना चाहिए। बी, भारत में स्वास्थ्य संवर्ती सूची का विषय है। सी, भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी GDP का 2% से भी कम खर्च करता है। डी, उपर्युक्त सभी कथन असत्य है।